थार रॉक्स बुक कराने जा रहे हो और कंफ्यूज हो रहे हो AX7L लो या फिर MX5 वेरिएंट लो, दोनों में 2 लाख रुपए का फर्क है और 2 लाख रुपए भैया मायने रखते हैं यहाँ पर। अगर अपन MX5 को देखें तो आपके पास हाईवे टेरेन टायर मिलते हैं 18 इंच की प्रोफाइल के अंदर, यहाँ पर 19 इंच की प्रोफाइल के अंदर ऑल टेरेन टायर आपको मिल जाते हैं। बाकी 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पर यहाँ पर आपको एडेस मिल गया गाड़ी के अंदर, 360 डिग्री कैमरा मिल गया। ये AX7L मॉडल है यानी कि L रिप्रेजेंट करता है लग्जरी को, तो लग्जरी तो आपको कूट कूट के यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे सनरूफ तो दोनों मॉडल में मिल रहा है, बट इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है जिसमें से 2-3 लोग आराम से शौक से खड़े हो भाई, हालांकि सेफ नहीं है। डोर्स पे आपको पूरा सॉफ्ट टच मिल जाएगा, पियानो फिनिश यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इधर आपके पास स्पीकर की प्लेसिंग मिल जाती है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है एक बड़े बॉटल होल्डर से जो आपको MX5 वेरिएंट के अंदर मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में लेदराइट सीट कवर्स आपको मिलने वाले हैं और यहाँ पर आपके पास रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं। पैनोरामिक के बजाय आप छोटा यहाँ पर सनरूफ हो चुका है, उसी के साथ में अगर डोर्स की बात करें तो पूरे आपको प्लास्टिक डोर्स यहाँ पर देखने को मिलता है, कोई भी सॉफ्ट टच आपको इसके अंदर नहीं मिलने वाला है। बॉटल होल्डर काफी बड़ा आपको मिल रहा है, स्पीकर की प्लेसिंग आ चुकी है अब डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड पे कोई भी सॉफ्ट टच आपको नहीं मिलेगा। सीट कवर्स हालांकि इसके अंदर पूरे लेदर के आपको मिल जाएंगे, बट वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पर मिसिंग है। मैनुअल एसी मिलेगा लेकिन वायरलेस चार्जिंग आपको मिल जाती है, 10.25 इंच की डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिल जाती है और स्पीड मीटर आपको एनालॉग मिलने वाला है। हालांकि टच स्क्रीन दोनों के अंदर है बट आपके पास मीटर जो है एनालॉग MX5 के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रेमलेस IRVM आपको मिलता है लेकिन एडेस नहीं मिलने वाला है। मैनुअल सीट MX5 में मिलती है लेकिन AX7 के अंदर आपको इलेक्ट्रिक सीट का फंक्शन मिलता है।